हेलो एवरीवन, स्टडी ऑल इन वंस, आप सब का स्वागत है। अज का अपना टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जे पंजाबी गल करिए तो पंजाबी इनू आप कहे कंप्यूटर पीढ़ियां। ठीक है, कंप्यूटर दिया हुण तक टोटल पांच पीढ़ियां हुई ने, पांच जनरेशन हुई ने। जे प्रेजेंट टाइम की गल करिए हुण अपनी चल रही है पांचवीं पीढ़ी। ठीक है, पांचवीं जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की। तो पहली जनरेशन तो आप स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यदा टाइम पीरियड पूछा जाता है 1942 तो लैके 1955 तक यदा टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड है जोड़ा, ये अलग अलग बुक अलग अलग दिता हुआ है। किसी दिता हुआ 1943, तो किसी दिता हुआ 1944, तो किसी 1942 है। ठीक है, तो जोड़ा आप लिया ये NCERT बेस्ड है, एग्जाम के NCERT ही सही मनिया जाता है। ठीक है, तो ये इलैक् इनपुट देने के लिए फस्ट जनरेशन कंप्यूटर के इनपुट देने के लिए की वरत्या गया जी, पंच कार्ड। जिमें हुण वाले अपने कंप्यूटर ने उहदे च आपां इनपुट देनी है तो आप कीबोर्ड राही टाइप करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम इनपुट देने के लिए की वरत्या गया जी, पंच कार्ड वरत्या गया। ठीक है, हुण उहदे पंच कार्ड नूं बनाया किने, तो पंच कार्ड नूं बनाया जी हरमन होलेरिथ ने इहनूं बनाया। ठीक है, हरमन होलेरिथ ने एक कंप्यूटर होर बनाया सी, पहला प्रैक्टिकल कंप्यूटर बनाया सी 1990 के सेंसस हुई थी, जनगणना हुई सी अमेरिका दे विच। ठीक है, अमेरिका दे विच जनगणना हुई, तो उदो हरमन होलेरिथ ने वो जनगणना वास्ते पहला प्रैक्टिकल कंप्यूटर बनाया सी। ठीक है, तो लैंग्एज केड़ी वरती गई पहले जनरेशन कंप्यूटर दे विच, ये पूछा जाता एग्जाम दे विच, तो मशीन लैंग्एज वरती गई, जिहदा अनदर नेम आपां कह सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम जां बाइनरी लैंग्एज वरती गई। ये जीरो ते वन ही होंदा है, बाइनरी लैंग्एज कह लो चे मशीन लैंग्एज कह लो, ये बस जीरो ते वन ही वरत्या जाता है। जो भी आप लिखना है, कोई भी नेम हो, स्टडी ऑल इन वन, पांच प्लस पांच लिखना है, तो वह जीरो ते वन की फॉर्म के लिखा जाता है। ठीक है, तो यदि कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट सी, कैलकुलेशन ईजी करने वास्ते बुलियन अलजैबरा बनाया, जीरो वन की कैलकुलेशन करने वास्ते। तो बुलियन अलजैबरा किने बनाया जी, जॉर्ज बूले ने। तो एक अपना रह गया जी मशीन लैंग्एज में किने बनाया, जा बाइनरी नंबर में किने बनाया, ये बनाया जी गॉटफ्राइड लेबनीज ने बनाया, जिदा मैं तुहानू ट्रिक भी दसा जी याद करने का, वो पिछली वीडियो तुसी मेरी देख सकते हो, वास्ते जिदा मैं लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन च दे दूंगा। ठीक है, तो मशीन लैंग्एज में बनाया जी गॉटफ्राइड लेबनीज ने। तो बुलियन अलजैबरा कादे वास्ते बनया, बाइनरी नंबर ते जिहड़ी कैलकुलेशन उन्होंने परफॉर्म करने वास्ते बुलियन अलजैबरा बनाया, जॉर्ज बूले ने। ठीक है, अगे देखते हूँ आप, तो मैमरी वास्ते स्टोर करने वास्ते इनफोरमेसन पहली जनरेशन दे विच की वरत्या गया जी, मैगनैटिक टेप वरती गई मैमरी वास्ते, स्टोरेज वास्ते। ठीक है, तो मैगनैटिक टेप की जिहड़ी इहनू किने बनाया, इहनू बनाया जी फिल्टेज फ्लैमर ने इहनू बनाया। ठीक है, तो उहदे तों बाद इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वास्ते, करंट सप्लाई करने वास्ते, जां आपां कहिंदे ना वोल्टेज पास करने वास्ते, ये वरती गई जी पहली जनरेशन के वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब किमें होंगी, एक तरह का बल्ब होंगे ये। ठीक है, एक बल्ब की शेप की होंगी है वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम ट्यूब वरती गई इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई के वास्ते। तो वैक्यूम ट्यूब में किने बनाया, तो वैक्यूम ट्यूब में बनाया जी ली डी फॉरेस्ट ने इनू बनाया। ठीक है, तो आइडिया किने दिता सी वैक्यूम ट्यूब में बनाने का, वो दिता सी जॉन एम्ब्रोस फनिंग ने आइडिया दिता सी। ठीक है, इन्हां दोनों चो एग्जाम के कोई भी नेम पूछ लिया जाता। तो वैक्यूम ट्यूब की स्पीड कादे च मापी जाती है, मापी जाती है जी मिली सैकेंड के, जिन्हों आप डिनोट करते हैं 10^-3 के नाल। ओपरेटिंग सिस्टम केड़ा वरत्या गया पहली जनरेशन के, बैच ओपरेटिंग सिस्टम वरत्या गया। तो बैच ओपरेटिंग सिस्टम के होंदा सी, ये एक बैच बन जाता सी, पंच कार्ड है मान लो ये अपना, तो ये आप सारे प्लस के जोड़े अपने प्रोग्राम से उन्हों का बैच बना देंगे सी। नैक्सट च आप मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, तो वह एक अलग तो बैच बन जाता सी, एवें बैच बनता सी, पहला प्लस वाले सॉल्व होंदे सी, उस तो बाद नैक्सट मल्टीप्लाई वाले, तो जिहदा भी बैच हुंदा सी पहला वो सॉल्व होंदे सी। ठीक है, उस तो बाद जे आपां गल करिए, इहदे च वैक्यूम ट्यूब वरती गई जिहड़ी जल्दी हीट हो जाती सी। ठीक है, जल्दी गर्म हो जाती सी, इहदे लई कंप्यूटर बहुत जल्दी गर्म हुंदे सी, ते साइज इहनां दा काफ़ी लेंथी हुंदा सी, एक कमरे दी पूरी जगह घेर लेंदे सी इह कंप्यूटर। ठीक है, तो इहदी एग्जाम्पल देखिए जी आप, एनीएक, यूनीवैक ते मार्क वन इहदी एग्जाम्पल ने। ठीक है, तो इन्हां नूं आपां एग्जाम्पल नूं डिटेल च देखिए। जे एनीएक दी गल करिए, तां इह पहला इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिहनूं 1946 दे विच बनाया गया। किने बनाया? जॉन मैकले ते जे परस्पर एकट
इन्हां दोनों ने मिलकर कंप्यूटर नूं बनाया। तो इहदी फुल फॉर्म की है, इलैक्ट्रॉनिक नुमैरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इहदी फुल फॉर्म है। ठीक है, उस तो बाद गल आउंदी है यूनीवैक की, जिन्हों 1951 दे विच बनाया गया। किने बनाया? जे परस्पर ते जॉन मैकलिन, इहनूं दोनों ने मिलकर बनाया। ठीक है, फुल फॉर्म है इहदी, पूरा नेम है इहदा यूनीवर्सल आटोमैटिक कंप्यूटर। तो इन्हां नूं पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, इहदी स्टोरेज जिहड़ी बहुत ज़्यादा होंदी सी, इहदे लई इहदे करके इन्हां बैंकिंग सैक्टर दे विच वरत्या जांदा है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर नूं बैंकिंग सैक्टर दे विच वरत्या जांदा है, ते इन्हां दी स्टोरेज ज़्यादा होंदी है। उस तो बाद आउंदे जी अपने मार्क वन ने जिहड़े पहले इलैक्ट्रोमकैनिकल कंप्यूटर ने, जिहदे बारे डिटेल च पढ़ना तां मेरी पहली वीडियो देख सकदे हो, जिहदा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन च दित्ता है। ते मार्क वन नूं किने बनाया? ये बनाया जी हार्वर्ड एक्न यूनीवर्सिटी ने, जिहड़ी कि अमेरिका की यूनीवर्सिटी है। पहला इहदा नेम की सी? सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर सी पहला इहदा नेम, बाद च इहदा नेम मार्क वन पै गया। 1937 च इहनूं बनाउणा स्टार्ट कीता सी, ते लगभग बने गया सी, पर 1944 दे विच इहदे चेंजेस करदे गए, कंप्लीटली तैयार कर दिता सी। ठीक है, ते उस तों बाद आउंदी जी अपनी सैकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की दूजी पीढ़ी, जिहदा टाइम पीरियड पुछया जाए तो वह है जी 1955 तो लैके 1964 तक टाइम पीरियड है। तो ये इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वास्ते, ठीक है, करंट पास करने वास्ते की वरत्या गया जी? ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर की सी? वैक्यूम ट्यूब का सक्सैसर सी। वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा इलैक्ट्रिसिटी खाती सी, खपत करती सी, कंज्यूम करती सी। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर वो मुकाबले बहुत घट खाता सी इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनू बनाया किनू? ट्रांजिस्टर ने। तो यह बनाया जे वर्डीन, विलियम सौकले ते वल्टायर विल्टेन, इन्हां तिन्नां ने मिलकर बनाया। तो ट्रांजिस्टर करके इन्हां नूं 1956 दे विच नोबल प्राइज़ मिलिया। ये भी पूछ लिया जाता इन्हां नूं नोबल प्राइज़ केड़ी फील्ड च मिलिया? ठीक है, कंप्यूटर च तां नोबल प्राइज़ हुंदा नहीं, तां फिजिक्स दे विच इन्हां नूं नोबल प्राइज़ मिलिया। ठीक है, ट्रांजिस्टर दे लई, क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत घट बिजली खाता सी। ठीक है, तो मैमरी दे लई इहदे च की वरत्या गया? मैगनैटिक कोर टैक्नोलॉजी वरती गई सैकेंड जनरेशन दे विच स्टोरेज वास्ते। ठीक है, तो स्पीड यदि नापी जाती सी जी मैक्रो सैकेंड के, मैक्रो सैकेंड में कहते हैं डिनोट करते हैं 10^6 नाल डिनोट किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये वरत्या गया मल्टी टास्किंग, टाइम शेयरिंग ओपरेटिंग सिस्टम वरते गया। टाइम शेयरिंग का मतलब की होंगे? किसी भी जॉब में परफॉर्म करने वास्ते जिमें देते पहली प्लस की है, दूजी प्लस की है, थर्ड माइनस की है, भी 2 मिनट तुम ये लाने, 2 मिनट अगली तो लाने, तो एक टाइम दे दिता जाता है कि इन्ने टाइम के पिछे टास्क परफॉर्म करने, नहीं होंगी तो नैक्सट टास्क चली जाऊगी आप। ठीक है, तो ओपरेटिंग सिस्टम की होंगे? ओपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्ट करता है हार्डवेयर के यूजर के। ठीक है, उस तो बाद असैम्बली लैंग्एज वरती गई ये, असैम्बली लैंगुएज में बनाया किने? असैम्बली लैंगुएज में बनाया जी डेविड जे विलर ने बनाया। असैम्बली लैंगुएज के होंगे सी, ये तो पहले आप मशीन लैंगुएज वरती थी। ठीक है, मशीन लैंगुएज के की सी? 0 ते 1 वरत्या जाता सी। ठीक है, पर असैम्बली लैंगुएज के होया एडिशन करनी है तो सिंपली आप ऐड लिख देंगे सी, जे मल्टीप्लाई करनी है तो सिंपली मल लिख देंगे सी, तो सबट्रैक्शन करनी है तो सिंपली सब लिख देंगे सी। ठीक है, तो थोड़ा जहा ईजी हो गया सी कंप्यूटर चलाना असैम्बली लैंगुएज के नाल। तो सैकेंड जनरेशन की जे एग्जाम्पल पूछी जाए तो IBM 1401, NCR 304 यदि बेस्ट एग्जाम्पल ने। ठीक है, उस तो बाद आती जी अपनी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की तीजी पीढ़ी, जिहदा टाइम पीरियड है जी 1964 तो लैके 1975 तक यदा टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई के वास्ते की वरत्या गया? तो यह वरत्या गया जी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिन्हों आप शॉर्ट फॉर्म से कह दें IC वरते गए। ठीक है, करंट सप्लाई करने के लिए। उस तो बाद जे आप गल करिए इंटीग्रेटेड सर्किट नूं बनाया किने? IC नूं बनाया जी जैक किलवी ते रॉबर्ट नॉइस, इन्हां दोनों ने मिलकर बनाया 1958 दे विच इहनूं बनाया। तो IC इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए वरती गई। IC बनी कहदी हुंदी है? इंटीग्रेटेड सर्किट कहदा बनया हुंदा? इह बनया हुंदा जी सिलीकॉन दा। तो मैमरी के लिए, स्टोरेज के लिए वरती गई मैगनैटिक कोर। उस तो बाद स्पीड यदि नापी जाती सी नैनोसैकेंड के, नैनोसैकेंड आप नोट करते 10^9। उस तो बाद ओपरेटिंग सिस्टम ये रियल टाइम ओपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लग गया। रियल टाइम मतलब फिक्स टाइम, जिमें मैट्रो हों एक फिक्स टाइम हों गेट को खोलन का, वो टाइम तो उन्हें खुल जाना, तो एक फिक्स टाइम हों बंद होने का, तो टाइम तो बंद हो जाता है। ठीक है, तो रिमोट प्रोसैसिंग ये वरती जा लग गई।
उस तो इलावा हाई लैवल लैंगुएज आ गई जिमें फोरट्रेन ते कोवल, ये दो न्यू लैंगुएज आ गई हाई लैवल लैंगुएज। तो फोरट्रेन की ये फुल फॉर्म पूछी जाए तो फुल फॉर्म है जी फॉर्मूला ट्रांसलेशन यूज्ड बाय साइंटिस्ट एंड मैथमैटिशियन। तो कोवल की फुल फॉर्म पूछी जाए तो है जी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज फॉर बिजनेस। ठीक है, तो फोरट्रेन नू किनू बनाया, किने बनाया, तो यह बनाया जी जॉन बैकूस ने आई बी एम कंपनी नाल मिल के इनू बनाया। ठीक है, तो उस तो बाद 1957 दे विच इनू बनाया। तो कोवल नू किने बनाया, कोवल नू बनाया जी ग्रेस मूरे हुपर ने बनाया 1969 दे विच। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हो गए थे इनपुट के आउटपुट के लिए ये जनरेशन दे विच। तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गया सी, ऑनलाइन आप डाटा स्टोर कर सकते सी। रिजर्वेशन सिस्टम जिवें टिकट बुक करवानी है ऑनलाइन, तो यह सारा कुछ स्टार्ट हो गया सी ये जनरेशन दे विच। एग्जाम्पल पूछी जाए तो आई बी एम 360, पी डी पी 8 ते पी डी पी 11 ये भी बेस्ट एग्जाम्पल ने। ठीक है, तो पी डी पी 8 है जिहड़ा वो पहला मिनी कंप्यूटर है, तुसी रिमैंबर रखना है पहला मिनी कंप्यूटर केड़ा है, तो वह है जी पी डी पी 8। ठीक है, पी डी पी की फुल फॉर्म की है, हुण पी डी पी की फुल फॉर्म है जी प्रोग्रामेबल डाटा प्रोसैस। तो डी ई सी हूँ तो एक शब्द वरत्या जाता है, तो डी ई सी की फुल फॉर्म आ जाती है पेपर के विच भी की है, तो डी ई सी की फुल फॉर्म है जी डिजिटल इक्यूपमेंट कारपोरेशन। उस बाद आई अपनी चौथी जनरेशन के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, इन्हों का टाइम पीरियड पूछा जाता है, टाइम पीरियड है 1975 तो लैके 1999 तक। ठीक है, ये स्विचिंग के लिए की वरत्या गया, माइक्रो प्रोसैसर वरत्या गया स्विचिंग के वास्ते। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसैसर किने बनाया, यह बनाया जी फेडरिको फैगिन ते टेड होफ दोनों ने मिल के बनाया। तो ये टेक्नोलॉजी वरती गई LSI ते VLSI। LIC की फुल फॉर्म की है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो VLSI की फुल फॉर्म की है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ठीक है, तो मैमरी लिए स्टोरेज वास्ते वरती गई सैमी कंडक्टर मैमरी वरती गई, तो वो तो इलावा वेंचेस्टर डिस्क जिन्हों आप हार्ड डिस्क भी कह दें ये वरती गई स्टोरेज वास्ते। ठीक है, तो स्पीड नापी जाती सी यदि पीको सैकेंड के 10^-12 नाल जिन्हों डिनोट किया जाता है। तो ओपरेटिंग सिस्टम वरत्या गया टाइम शेयरिंग ओपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उस तो इलावा GUI बेस्ड ओपरेटिंग सिस्टम, GUI की फुल फॉर्म की होंगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो यह वरत्या गया, तो वो तो इलावा ये न्यू फैकल्टी एड होगी, फैसिलिटी एड होगी सॉरी, इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते सी, जिदी बेस्ट एग्जाम्पल है जी नैफ्ट। नैफ्ट की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है जी नैशनल इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं चौथी पीढ़ी दी, IBM 4341 ते DEC 10 ते Apple। ठीक है, ये फुल फॉर्म ने सॉरी एग्जाम्पल ने बेस्ट। उस तो बाद आई अपनी पंजवीं जनरेशन, ठीक है, जी हूँ चल रही है, तो यदा टाइम पीरियड है जी 1999 तो लैके टिल नाओ हूँ तक ये चल रही है। ठीक है, तो ये वरती गई टैक्नोलॉजी USLI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये वरती गई स्पीचिंग के वास्ते इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई के वास्ते, तो स्टोरेज वास्ते वरती गई ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ये राउंड होंगी है, तो ये की होंगे ट्रैक होंगे ने, तो सैक्टर बने होंगे ने जिन्हों आप लैजर बीम के नाल डाटा रीड किया जाता है ऑप्टिकल डिस्क तो। ठीक है, लैजर बीम के नाल डाटा रीड किया जाता है ऑप्टिकल डिस्क के, ट्रैक के सैक्टर बने होंगे। तो होर टैक्नोलॉजी के वरती गई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंट वरती गई जिन्हों आप AI भी कह दें, तो AI के फादर पूछा जाता है किनू कहा जाता है, तो AI के फादर ने जी जॉन मैकार्टे के फादर ने, जॉन मैकार्टे AI के फादर ने। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल च पढ़ना है तो मेरी पहली वीडियो देख लियो, उहदे च मैं दस्या होया इहदे बारे। AI की एग्जाम्पल पूछा जाए एप्पल च सीरी है, तो माइक्रोसॉफ्ट च कॉर्टाना है जिहड़ी वो AI की एग्जाम्पल है। ये एक होर टैक्नोलॉजी वरती गई जिहदा नेम है जी नॉलेज इनफोरमेशन प्रोसैसिंग ओपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये ओपरेटिंग सिस्टम वरत्या गया, बहुत इंपॉर्टेंट ओपरेटिंग सिस्टम है ये कि वरत्या गया सोफिया रोबोट है, एक वो वरत्या गया सोफिया रोबोट की करती है, जो आप हसते हैं अपने नाल हस के गल्लां करते हैं रोने हैं तो वह भी इमोशनल हो जाती है, इमोशनल हो के अपने गल्लां करती है मतलब वो भी रोन लग जाती है। ठीक है, तो वो एक एवं प्रोग्रामिंग की गई है कि ओपरेटिंग सिस्टम वरत्या गया सोफिया के, तो वह पूछा जाता है जी नॉलेज इनफोरमेशन प्रोसैसिंग ओपरेटिंग सिस्टम वरत्या गया कि सोफिया रोबोट के। ठीक है,
तो प्रोसैसिंग स्पीच रैकोगनाइजेशन वरत्या गया, जिवें अपने मोबाइलों के भी वरत्या जाता है भी अपनी आवाज़ नाल खुलते हैं बथेरे फोन। तो मरकरी लैंग्एज वरती गई, मरकरी एक मटीरियल भी होंगे जोड़ा वरत गया पहली जनरेशन के, पहली पीढ़ी के, मरकरी लैंग्एज वरती गई जी पांचवीं जनरेशन के। पूछा जाता मरकरी लैंग्एज बनाई किने, तो यह बनाई थी जॉल्टन सोमो गई, तो इन्होंने बनाई ये मरकरी लैंग्एज जिहड़ी वरती जाती है फंक्शनल लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्एज है एक। तो अगे आते हैं ये एग्जाम्पल ला लो, माइक्रो कंप्यूटर की एग्जाम्पल है पांचवीं जनरेशन की, आप वरते हैं लैपटॉप वरतते हैं, स्मार्टफोन हो गए अपने, टैबलेट हो गए, एच डी गेम, एच डी मूवी, ये सारे एग्जाम्पल ने। तो पहला लैपटॉप पूछा जाए तो है जी टोसीवा T1100, पावर बिल्डर लैंग्एज भी ये वरती गई। तो डेट्स ऑल गाइस, जे वीडियो चंगा लगे तो लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, जे हाले तक मेरे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।